हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस पूरा डिटेल से बताएंगे। और करेक्टर सर्टिफिकेट जब बनाइएगा तो उसमें किसका किसका मोहर लगेगा और किस अधिकारी का सिग्नेचर लगेगा। तो इस वीडियो को इसलिए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो स्टूडेंट भी गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करने वाले हैं, उसके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि ज्वाइनिंग करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, उसमें ये करेक्टर सर्टिफिकेट तो नेसेसरी है बनाना सभी स्टूडेंट के लिए। अभी फिलहाल तो ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बना रहे हैं क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का जो भी स्टूडेंट्स हैं उसका जल्दी ज्वाइनिंग होने वाला है कुछ दिन में, तो उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। पर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे के लिए ग्रुप डी एग्जाम के लिए जरूरी है, ये सारे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करने वाले हैं सबके लिए जरूरी है, सबको ये सर्टिफिकेट तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए फॉर्मेट चेंज होता है बट प्रोसेस सेम होता है, इसलिए आपको सिर्फ प्रोसेस देखना है। फॉर्मेट तो अलग अलग हो सकता है, बाकी बात सब कुछ यही रहता है लिखा हुआ, आपको यही सब बनना है, यही सब सिग्नेचर मार्क करवाना है, सारा प्रोसेस कुछ यही होता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो स्टडी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम जब भी अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे तुरंत और सबसे पहले पहुंचाएं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले यहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है चरित्र प्रमाण पत्र या आचरण प्रमाण पत्र भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन, आपका नाम लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे, आपके पिता का नाम रहेगा, फॉर द लास्ट ईयर्स या मंथ है, तो ये आपको नहीं भरना है। ये जो साइन करेगा मुहर लगाएगा ना, जो अधिकारी साइन करेगा वही भरता है कि आपको कितने महीने कितने साल से जान रहा है। मंथ एंड डेट टू बी बेस्ड माय नॉलेज, मेरा जानकारी के अनुसार ये कितने दिन से हम इसको जानते हैं, ये अच्छे हैं कि नहीं, इसका आचरण कैसा है, वही भरते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे तो नाम डाले हैं तो यहाँ फिर से आपको नाम डालना है। लिखता है कि ये लड़का है ये नॉट रिलेटेड टू मी, मुझसे रिलेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं इसे जानता हूँ इसका करेक्टर अच्छा, क्योंकि आपका अपना आदमी नहीं होना चाहिए। अपना आदमी तो खराब आदमी को भी अच्छा बोल देता है, इसलिए आपका अपना आदमी नहीं होना चाहिए, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे प्लेस और डेट, अगर देने का माने तो दे भी सकते हैं, देखिए यही जो अधिकारी साइन करता है वही प्लेस डॉट भी लिख देता है, लेकिन अगर आप नहीं लिखा आप खुद से लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। आपको वहाँ अधिकारी जब ज्वाइनिंग करने जाइएगा वहाँ बोलेगा तो वहाँ भी आप भर सकते हैं। और एक चीज़ देखिए, हम तो यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट में दो गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना पड़ता है। देखिए ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, देखिए ये दो फॉर्मेट में बटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये एक है और इसके नीचे जो है ये अलग है, जबकि दोनों चीज़ सेम है, दोनों चीज़ में सेम लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब है दो चीज़ इसलिए दिया हुआ कि आप दो गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाइए, दो गेजेटेड ऑफिसर से, एक ही गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराने से नहीं, दो गेजेटेड ऑफिसर आपके करेक्टर के बारे में अच्छा बताना बताए तभी आपका करेक्टर अच्छा साबित होगा, इसलिए इसमें दो गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाया गया। और देखिए जब आप साइन करवाने या मुहर करवाने जाइएगा, देखिए हम चिकित्सा पदाधिकारी हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर हम साइन करवाएं, तो यहाँ पे आप साइन मुहर जब करवाइएगा तो वो सिर्फ यही मुहर मारता है, कभी कभी ये मुहर नहीं मारता है। आप उसको बोलिएगा और ध्यान से ये गोल मुहर मरवा लीजिएगा, कुछ पैसा देना पड़े पैसा दे दीजिएगा, ऐसे भी पैसा आपसे मांगेगा, जब जान रहेगा आप ज्वाइनिंग करने वाले हैं तो आपसे कुछ पैसा मांगेगा, तो 50 या 100 रुपया दे दीजिएगा, वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहिएगा, क्योंकि अब तो आप आगे दिन में पैसा कमाने वाले हैं तो क्या टेंशन है 10-20 रुपया दे देने से या 50-100 रुपया से। तो देखिए ये है स्वास्थ्य केंद्र का ये गोल मुहर है, तो गोल मुहर भी ध्यान से मरवा लीजिएगा। अब नीचे में देखिए ये भी चीज़ सेम है, इसमें हम अंचल अधिकारी से साइन मुहर करवाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंचल अधिकारी से भी साइन मुहर करवा सकते हैं, ये भी गेजेटेड रैंक में आते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए ये क्रमांक संख्या है, जब रजिस्टर मेंटेन करता है ना तो वहाँ पे एक क्रमांक संख्या लिखता है, उसके बाद उस क्रमांक संख्या 357 नंबर में आपके बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, तो वही क्रमांक संख्या लिखा है, दिनांक लिखा उस दिन का, आप पुलिस अधीक्षक कर ले मुंगेर से निर्गित। जैसे कि देखिए आप जब एसपी ऑफिस का करेक्टर बनवाइएगा ना, आप पहले ही आपको बनवा के रख लेना पड़ेगा, नहीं तो एसपी ऑफिस का करेक्टर बनने में 10 से 15 दिन लग जाता है, ये 15 दिन तो आप पैसे बर्बाद हो जाएगा, इसलिए पहले बनवा के रख लीजिए एसपी ऑफिस, जैसे ज्वाइनिंग लेटर आए तैसे ही सब करेक्टर बना, एक दो दिन में बन जाएगा। कहने का मतलब एसपी ऑफिस का करेक्टर जो होता है ना इसी को देख के साइन मुहर करता है, ये नहीं रहेगा तो कौन करेगा साइन मुहर, तो इस पता चलता है कि आप करेक्टर कैसे आप पुलिस अधीक्षक से बनवा लिए। ये एसपी ऑफिस का करेक्टर यही होता है कि आप देखता है कि आपके ऊपर कोई केस मुकदमा तो नहीं है, कहने का मतलब आपका चरित्र करेक्टर अच्छा है कि नहीं, आप कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं किया, आपके ऊपर कोई केस मुकदमा तो नहीं है, मतलब आपका करेक्टर अच्छा है, तो यही एसपी ऑफिस का करेक्टर मतलब यही होता है, यही देखता है। इस पर कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है क्रमांक संख्या, तो वो कर्म संख्या जो होता है ये है, ये लिखा हुआ रहता है, तो ये यहाँ पर दर्शा देता है कि मतलब इस क्रमांक संख्या का एसपी ऑफिस पूरी तरह से कार्यालय से निर्मित जो है एसपी ऑफिस का करेक्टर है जो कि निर्गत किया गया है उसी का क्रमांक संख्या है, उसी का हम लिख दिए और डेट लिख दिए, जिस डेट में ये बना था उस यहाँ पर वो डेट लिखा था उसके अनुसार पर जो निर्गत है उसी के आधार पर हम यहाँ पर साइन किया हुआ है, यहाँ पर कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ नाम भरिएगा, यहाँ पिता का नाम या लास्ट ईयर से मंथ भर दीजिएगा, अगर वो नहीं भरा है तो आप अपने मन से 2-3 साल भर दीजिएगा, एक से ज़्यादा भरिएगा 1 साल से और 5 साल से कम भरिएगा, ये मतलब 2 या 3 साल आप भर सकते हैं। और यहाँ फिर से आप अपना नाम लिखिएगा, नाम लिखने में ये नॉट रिलेटेड टू मी, कहीं आपसे संबंधित नहीं है, और यहाँ मुहर है यहाँ पे गोल मुहर, तो आप ध्यान से मरवा ही लीजिएगा, कुछ पैसा दे के भी मरवाना पड़े तो मरवा लीजिएगा, नहीं तो अपने मन से मार देता तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैक्सिमम अधिकारी या जहाँ पे जाइएगा मुहर मरवाने मैक्सिमम गोल मुहर मार ही देता है, क्योंकि वो जानता है कि इसका वैल्यू देता है, इसका वैल्यू उतना नहीं देता है, क्योंकि वहाँ लौटा दिया जाएगा अगर गोल मुहर नहीं रहेगा तो, अगर दे दिया वैल्यू तो ठीक है, नहीं तो लौटा भी दिया जाता है। तो चलिए हम बता दिए कि एसपी ऑफिस का करेक्टर आपको कैसे बनाना है, और फिर करेक्टर सर्टिफिकेट आपको दो अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है, गोल मोर आपको लेना है, इसमें क्या क्या भरना है, नाम भरना है, कैसे कैसे भरना है, और इसके बारे में आपको समझा दिए क्रमांक संख्या सब कुछ। तो चलिए हम वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।